गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो शेयर करूँ। आज का जो टॉपिक ये पहला जो लेक्चर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कंटिन्यूड यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स जिसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। और आज हमने दो विषय चुने हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। आप सबसे पहले इन विषयों को लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ नहीं है सॉरी, इट इज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टॉपिक इज क्वांटिटेटिवली एनालिसिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कॉन्स्टेंट। ये रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं जो हम कल इसमें ड्राइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एरिनियस इक्वेशन। तो ये आज के दो विषय रहेंगे, टॉपिक्स हैं हमारे। और कल मैंने एक आपके साथ बात शेयर करनी थी, एक कल मैंने नीट के जो बच्चे हमारी जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके कुछ सॉल्ट एग्जाम्पल मैंने उनके साथ शेयर किए थे कुछ प्रीवियस पेपर के, तो वो वीडियो भी आप साथ साथ देखें। जो बच्चे हमारे जेई मेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे नीट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें। उनको काफ़ी लाभ पहुँचेगा उस वीडियो को देखने का, और उनकी जो क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस हैं उनके एक बार एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाएगा जिससे कि वो क्वेश्चंस को अपने आप लेवल पे सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी वो भी मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। टेक्निकल सर्विस एंट्रीज होती हैं हमारी, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, अपलोड की थी मैंने। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं हमारे और जिनके पास जिनके जेई में रैंक्स होंगे। वो इस बार कंपल्सरी कर दिया, पहले था कंडीशंस थी कि वे 70% पीसीएम में होना चाहिए तब उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी हमारे टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर, आर्मी के अंदर। और अपनी वो पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कमीशन ऑफिसर लग जाते थे, लेकिन अब उसमें भी उन्होंने कंडीशन डाल दी है कि जेई का रैंक उसमें मेंशन करना है। तो इसका मतलब आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब सिर्फ 70% नंबर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया है। उसके अंदर गवर्नमेंट की एज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन आर्मी अगर आपने जाना है तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो मैंने वीडियोस सेकंड सेक्शन इसका वीडियोस का मैंने स्टार्ट किया है, कल मेरा पहला लेक्चर था तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया आपको, तो वो ज़रूर देखें। तो उसी के साथ अब मैं सीधा आज के लेक्चर पे लेके चलता हूँ। दिस इज़ द केमिकल काइनेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन कल हमने बात की थी बेटा, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collides with each other to form the product, but all the reactant does not changes to product as they do not have the sufficient energy, and उस sufficient energy को हमने कल पढ़ाया था called as sufficient energy, that is threshold energy।
भाई उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है। तो कल मैंने अब बताया था कि हम रिएक्शंस को एनर्जी दे सकते हैं बाय सप्लाइंग द हीट, बाय सप्लाइंग द लाइट, बाय सप्लाइंग द यूवी रेडिएशंस और बाय अनदर मीन्स, जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, ये सब हम एनर्जी उसको अलग अलग वेरिएशन से दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर से उसे मिलेगी हीट एनर्जी। तो जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो आप समझ रहे हैं जिन रिएक्टेंट्स को अभी एनर्जी नहीं मिली है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनको भी मिल जाएगी और क्या होगा, वो रिएक्शन को कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि तापमान के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिख लें आप मेरे साथ, नोट्स बना लें, टेम्परेचर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स सो दैट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो क्या होता है, इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसमें इन्होंने कहा कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम डबल हो जाता है या डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है वो हम आगे रीजन के साथ प्रूव करेंगे, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। तो उसके बाद मैं आपको ग्राफ बनाकर समझाऊंगा, पहले तो ये लाइन लिखो। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, नेक्स्ट पैरा, इट वॉज ऑब्जर्व दैट विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, 10 डिग्री तापमान के अंदर बढ़ोतरी करने पर राइज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल और मोर कि अगर हम 10 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल से ज़्यादा हो जाता है। और अब वो कैसे हो जाता है इसका हम पढ़ेंगे रीज़न। कुछ रीज़न मैंने पहले पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की है, कुछ रीज़न अब आगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप साइड पे ग्राफ ड्रॉ करें। ये मैंने दो एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस। यहाँ लिखना है आपने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मैं बताऊंगा फ्रैक्शन क्यों लिखा बेटा। फ्रैक्शन इसलिए लिखा है, मैंने कल भी बताया था कि अगर 100 रिएक्टेंट है तो 100 प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं 80, 70, 90, लेकिन 100% कभी नहीं बनते। इसलिए हमें वी हैव टेकन द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन मतलब उसमें से कुछ हिस्सा लिया है। और इधर आपने क्या लेना है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। और ये कर्व लाइक दिस आएगा, ये पीक आएगी और पीक के बाद यहाँ से ये हिस्सा इसका ऐसे आएगा, जिसको आपने लेबल भी करना है और इसमें नाम भी लिखना है। दिस इज लेटर्स ए, बिट इज स्मॉल बी, सी एंड डी। और ये इसकी पीक है, दिस इज कॉल्ड एज यू कैन से एनर्जी बैरियर।
what is this? This is the most probable speed of the molecule. Most probable speed of the molecule. और ये यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर. और दूसरा ये विद टेम्परेचर टी है, ये टेम्परेचर जब तापमान को बढ़ाया गया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ये टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है बेटा. तो पीक तो वहीं की वहीं रही, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है ये लगभग यहाँ से ये वाला एरिया आ गया. इसको मैं ऐसे उल्टी तरफ से शेयर कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ मतलब. तो ये बन गया ई एन एफ. तो शेडेड पोर्शन जो यहाँ पर शो किया जा रहा है, ये तो कॉमन एरिया हो गया, ये प्रोडक्ट है बेटा. और ये अब प्रोडक्ट बना जब तापमान 10 डिग्री बढ़ा दिया. तो जबकि देख रहे हैं जो कर्व है वो शेडेड पोर्शन क्या हो गया, डबल. ऐसा कैसे हो जाता है, ग्राफ को तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही अपने टॉपिक के अंदर. अब लिखेंगे रीज़न. कुछ रीज़न तो आपको समझ आ गया. द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट हैव द sufficient threshold energy does not form the product. भाई वो product नहीं बनाता. When we supply the energy by increasing the temperature, तापमान के अंदर बढ़ोतरी करने पर, more reactants gets the threshold energy. कुछ reactants को क्या मिल जाती है, threshold energy मिल जाती है, gets the threshold energy and they changes to product. तो तापमान के बढ़ाने पर जो रिएक्टेंट जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी उनको भी थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई और वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील हो गया. और ये ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द graph that with 10 degree rise of temperature the product becomes almost double. product क्या बन जाता है, almost double हो जाता है. अब ये कैसे सिद्ध किया, देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर रब नहीं किया था. ये शेडेड पोर्शन देखना है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ इज ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इसका लगभग ट्वाइस है. सो दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स वट डबल. तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि विद द 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो लगभग क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. हैंस प्रूव्ड विद द इंक्रीज इन द temperature
by 10 degree, the rate of the reaction becomes almost double. और ये आर्टिकल यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया। तो ये था हमारा आज का पहला आर्टिकल जिसके अंदर आपने सारी बातें पढ़ी, किस तरीके से तापमान के बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को। अगला टॉपिक है क्वांटिटेटिवली एनालिसिस ऑफ रेट कांस्टेंट। और यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का ही प्रभाव है, ऑन द रेट कांस्टेंट के। इट वॉज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट नेम एज अरिनियस 1889 में, एंड ही गेव एन इक्वेशन कॉल्ड एज अरिनियस इक्वेशन। ये अरिनियस इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट यूज करना है आपने, के बराबर है ए डॉट एक्सपोनेंट ई, ई है ये बेटा, की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, फिर आर्टिकल करेंगे। वेयर के तो सभी को पता ही है, रेट कांस्टेंट है, इसके बारे में नहीं लिख रहे। ए इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर बाइनरी कोलिजन। बाइनरी मतलब दो जब पार्टिकल्स आपस में रिएक्टेंट्स टकराएंगे तो बाइनरी कोलिजन। ई तो एक्सपोनेंट है, ई ए कल बताया था क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होता है पता ही है सभी बच्चों को, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी इज द, एंड टी इज द तापमान टेम्परेचर, किस में भाई, केल्विन के अंदर, एन केल्विन। तो ये था आर्टिकल की शुरुआत कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट विच वॉज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट नेम एज अरिनियस इन 1889 एंड ही गिव एन इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन में कौन सी क्या चीज़ है, ये फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक छोटी सी डेरिवेशन आपने करनी है जो कि हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है, अब क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन के दोनों साइडों पे आपने क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग टू द बेस एन के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। इसको ओपन कर लेंगे बेटा, लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू, ये डॉट है बेटा, ये पूरी वैल्यू है, तो ये लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग टू द बेस ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बुक में ये स्टेप कटा हुआ है,
उसने डायरेक्ट लिख दिया इसके बाद, तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। ये लॉग m इंटू एन था, m प्लस एन कर दिया मैंने। अब इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और लॉग नेचुरल a, ये पावर बाहर आ जाएगी ई ए अपॉन आर टी, और लॉग नेचुरल e, और लॉग नेचुरल e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बन गया हमारा, और लॉग नेचुरल k बराबर लॉग नेचुरल a माइनस ई ए अपॉन आर टी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो बुक में ये स्टेप के बाद ये स्टेप दिया हुआ है, ये दो स्टेप बीच में से मिस हैं, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता, ये मैंने पूरे स्टेप्स कर दिए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो आपका दो स्टेप्स का टाइम पीरियड बचेगा, तो आप समझ आ जाता तो आपने डायरेक्ट कर देना। अब इसके बाद क्या करना है, रेट कॉन्स्टेंट सपोज करनी है और उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या करेंगे आगे, लेट अस सपोज दैट एट, अलग लिख रहा हूं, टेम्परेचर टी वन के इज इक्वल टू के वन एंड टेम्परेचर टी टू के इज इक्वल टू के टू, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ये वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने करके बताऊँगा, रखा हूँ, k की जगह k1 आ जाएगा बेटा, तो आगे log natural k1 is equal to log natural a minus ea upon r t1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरीके से ये पुट करेंगे, log k2 बराबर है log natural a ई ए अपॉन आर टी टू, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन गई 3 और 4। अब प्यारे बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल के टू माइनस लॉग नेचुरल के वन बराबर है बेटा, ये पहले आएगा लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू ब्रैकेट माइनस ये वाला लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। तो ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लिख दिए क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए हमारी डेरिवेशन करते हुए। तो अब यहाँ देखें ये क्या आ गया बच्चों, log m माइनस n है, तो ये बन जाएगा log m डिवाइड बाई n, तो k2 डिवाइड बाई k1। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, log natural e a अपॉन r t2 माइनस log natural माइनस माइनस ये अंदर प्लस हो गया, प्लस e a अपॉन r t1, log नेचुरल ए से लॉग नेचुरल कैंसिल हो गया प्लस माइनस, इसको इधर ले आओ बेटा, तो ये आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। अब आप देख रहे हैं ई ए अपॉन आर कॉमन है, इसको आपने कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या आ गया, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, तो ये आ गया ई ए अपॉन आर। ओके, एलसीएम ले लो बेटा, टी वन टी टू, टी टू माइनस टी वन। तो अब हमारे पास सॉल्व करते हुए फाइनल इक्वेशन आ गई, और उसके बाद एक स्टेप और, तो ये बताऊंगा इक्वेशन क्या करना है, कहाँ प्रयोग करना है। और लॉग नेचुरल के टू माइनस के वन बराबर है बेटा ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन, टी वन टी टू। लॉग नेचुरल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, इसको कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, तो लॉग टू द बेस ई हो जाएगा के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर
T2 माइनस T1, T1, T2, और फाइनली इसको यहाँ पर ले जाएंगे और बिल्कुल आपको सिंपल डेरिवेशन समझ आ गई। एक बार आपने बिना देखे कर लेनी है तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो क्या आ गया बच्चों, log K2 by K1 is equal to EA 2.303 into R और T2 माइनस T1 T2। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर, कौन सी है बेटा, पांचवी क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं क्या एक्टिवेशन एनर्जी बाय इक्वेशन नंबर 5। वी कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। तो दिस इक्वेशन इज यूज फॉर दिस। तो ये था अरिहेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला। और अब हम इसके बाद एक आर्टिकल और करेंगे, क्या चेक करेंगे, वैलिडिटी ऑफ अरिहेनियस इक्वेशन, तब ये पूरा आर्टिकल ख़त्म होएगा। अब ये सेकंड टॉपिक ही चल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ अरिहेनियस इक्वेशन। जो अरिहेनियस इक्वेशन है हमारी, इसकी वैलिडिटी आपने कैसे निकालनी है। तो इसकी शुरुआत वहीं से की गई है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे टेकिंग लॉग ग्रिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, कौन सी फर्स्ट, मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर हो गया। अब आपने आगे यहीं पर लॉग नेचुरल को चेंज कर देंगे टू द बेस ई, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 2.303 लॉग ई इज इक्वल टू अगेन 2.303 लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द फैक्टर 2.303 ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों क्या आ गया, लॉग टू द बेस ई के लॉग टू द बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर और 1 अपॉन टी को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको रीअरेंज करेंगे, किसको, इक्वेशन नंबर 3 को, रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3। क्या किया बच्चों, लॉग के इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर 1 अपॉन टी प्लस लॉग ऑफ ए, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं आ रही है आपको। इसके बाद हम इसमें इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, कंपेयर द इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई हुई है, क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5। और वैलिडिटी चेक करने के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस
लेनी होती है अपने को। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। वाई जो कंपोनेंट है वो क्या है, लॉग के, और एक्स यहां पर कंपोनेंट क्या है, वन अपॉन टी, तभी इसको मैंने ब्रैकेट में डाला था। तो अब लिखेंगे वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ के वर्सेस वन अपॉन टी। कहता इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, गेट ए स्ट्रेट लाइन, देन क्या बेटा, देन द अरहेनियस इक्वेशन इज वैलिड, अरहेनियस इक्वेशन इज वैलिड, तब अरहेनियस इक्वेशन क्या होगी, वास्तव में वैलिड होगी। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, ग्राफ कैसे बनेगा आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने, बहुत ही आसान है। ये हमारी दो एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपको बताया था मैंने क्या लेना है, लॉग के लेना है, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है बच्चों, वन अपॉन टेम्परेचर, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। वी गॉट ए कर्व लाइक दिस, ये ग्राफ आएगा आपको, स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये आप जानते ही हैं ऐसे ड्रॉ करने पर क्या आ जाता है, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है स्लोप वाला, ये हमारे नीट के एग्ज़ाम्स, जेई के एग्ज़ाम्स के छोटे न्यूमेरिकल्स करने के लिए आते हैं। तो ये थ्योरेटिकल आर्टिकल तो पढ़ा हमने, वैलिडिटी ऑफ अरहेनियस इक्वेशन, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमारे पास अभी निकल कर बाहर आया, स्लोप बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 डिवाइड बाई आर, तो स्लोप दिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी दी होगी, स्लोप कैलकुलेट करनी होगी। तो ये हमारे नीट के एग्ज़ाम्स में आता है। तो ये था आज का टॉपिक, जो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और इसके साथ ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा आपकी नीट एग्ज़ाम्स की, सबसे पहली यूनिट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, और जो कि कल आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो समझ आया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं और उसको एलोबरेट। एक बार न्यूमेरिकल समझ आने लग जाएं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है, फॉर्मूला को चेंज किया जाता है। तो इसलिए उसके साथ ये वीडियोस ज़रूर देखें मेरे, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा जो नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।